वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। भाई आज भी मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर अपडेट्स लेके आया हूँ पंजाबी सिंगर्स और यूट्यूबर्स के बारे में यार, तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक जरूर कर देना। तो आज की जो पहली अपडेट निकल के आ रही है वो है गैरी संधू और जैस्मिन सैंडल की तरफ से। यार उनका एक सॉन्ग था इलीगल वेपन, जिसके अभी लगभग यूट्यूब पर 312 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, और उसका रीमेक सॉन्ग आ चुका है जो कि एक बॉलीवुड मूवी में आया, और उस मूवी का नाम है स्ट्रीट डांसर 3D। तो अगर आपको वो सॉन्ग सुनना है तो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेकआउट कर लेना, अच्छा सॉन्ग है। और जो अगली अपडेट है वो है अमित भड़ाना की तरफ से। यार उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, खुशखबरी आने को, इस साल की पहली बिश्मिलक, #hardwork, #stayfocused, मुंबई महाराष्ट्र। तो यार उन्होंने अपने मतलब कुछ आने वाली वीडियो की हिंट दी है। उनके एक फ्रेंड है सचिन भाटी, जो कि उनकी हर वीडियो में दिखते हैं, तो उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी डाली और उसमें लिखा, ऑल द वेरी बेस्ट ब्रदर फॉर टुमारो, बैक टू बैक बिग प्रोजेक्ट, नया साल नया तोहफा। भाई अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या उनका बिग प्रोजेक्ट होने वाला है और हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। तो भाई उनका अब फिर से एक बॉलीवुड स्टार के साथ में कोलैब होने वाला है सेकंड टाइम, जैसे कि अभी उनकी पिछली वीडियो में अक्षय कुमार उनके साथ में आए थे उनकी आने वाली मूवी गुड न्यूज़ के प्रमोशन के लिए। तो वैसे ही अब उनके साथ में अजय देवगन आने वाले हैं उनकी तानाजी मूवी का प्रमोशन करवाने के लिए। तो भाई अमित भड़ाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की उनके साथ में, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और उन्होंने लिखा, दुआओं में याद रखने से लेकर अतामाजी सटकली और तानाजी, जिन्हें हमेशा बड़े पर्दे पर देखा, आज उनके बिल्कुल करीब, अजय देवगन सर बहुत मज़ा आया काम करके साथ में, और उससे भी ज़्यादा मज़ा आपका स्वभाव देखकर आया, न्यू वीडियो बेहद जल्द। तो भाई सबसे पहले तो अमित भाई के लिए मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि यार ये सच में एक बिग प्रोजेक्ट है, सेकंड टाइम वो किसी बॉलीवुड स्टार के साथ में काम कर रहे हैं। तो यार अजय देवगन अपनी आने वाली मूवी के लिए प्रमोशन करवाने के लिए उनके पास आए हैं, तो ये वीडियो आपको एक दो दिन में कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। जैसी अपडेट मिलेगी तो मैं आपको दे दूंगा। और जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो रिया मावी की तरफ से। अगर आप इनको नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, इन्होंने लगभग 1.5 साल काम किया है अमित भड़ाना के साथ में, और अब ये अमित भड़ाना को छोड़ चुकी हैं और उनको इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनफॉलो भी कर दिया है। तो यार इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है रिया मावी के नाम से, तो उस पर इन्होंने एक Q&A वीडियो अपलोड की जिसमें इनसे बहुत से Q&A सवाल पूछे गए, तो इन्होंने साफ साफ आंसर दे दिए, मतलब कि कुछ भी नहीं छुपाया। जैसे कि उन्होंने बोला कि यार मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते थे, किसी भी कॉन्सर्ट में कभी साथ में नहीं लेके जाते थे, और इंडिविजुअल ग्रोथ भी नहीं होने दी इनकी, 1.5 साल तक फ्री में काम किया, इनको पैसे भी नहीं दिए, तो बहुत कुछ उन्होंने बोला है। तो आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, तो यार आप देख लो। What happened between you and Amit? What is the reason why you don't work with Amit Badhana? First point, respect. Second, individual growth. Third, financial growth. मैं first point के बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे लग नहीं रहा था वहाँ पे कि मेरी ज़्यादा respect है, क्योंकि मुझे किसी भी टीम की किसी भी मतलब इवेंट में, किसी भी मीटअप्स में मेरे को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। बस एक बार मैं IIT दिल्ली के इवेंट पे गई थी, वो भी 2 साल पहले, उसके बाद मुझे किसी इवेंट के लिए या किसी भी कुछ भी इम्पॉर्टेंट होता है उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, और हमेशा मतलब अंडर प्रेशर होता है कि यार आप मेरे अंडर काम कर रहे हो या मेरी टीम के अंडर काम कर रहे हो, यू आर नथिंग विदाउट मी। आई नो मतलब मुझे जो भी फेम मिला है, जो भी है मेरे पास, वो मतलब उस चैनल की वजह से है, टीम अमित भड़ाना की वजह से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी प्रेशर में काम करूं या किसी के प्रेशर में आकर काम करूं, मतलब ये मैं नहीं देख सकती थी ना झेल सकती थी। तो एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न था इंडिविजुअल ग्रोथ। मैंने उस चैनल को जितना सपोर्ट किया है, 0 से 15 मिलियन, उतना सपोर्ट मुझे रिवर्ट में कभी नहीं मिला। मैंने 1.5 साल फ्री में काम किया है, शायद कोई भी मॉडल एक्ट्रेस एक दो वीडियो आपके लिए फ्री में कर देगी, आपका स्टार्टअप है, फ्रेंड भी, उसके बाद हर कोई बोलता है भाई पेमेंट। मैंने 1.5 साल बिना एक क्वेश्चन किए फ्री में काम किया, इवन अपना कैब का, ड्रेसेस का, मेकअप खुद मैंने अपने पॉकेट से यूज़ करा, अपने घर वालों से मैनेज करके किया है। उसके बाद मैंने कभी एक क्वेश्चन नहीं किया था, इवन मुझे वहाँ से कोई सपोर्ट भी नहीं मिला। यस, और थर्ड फाइनेंशियल ग्रोथ मैंने सेकंड पॉइंट में बता दिया है, जैसे कि 1.5 साल के आसपास मैंने फ्री में काम किया, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी डिमांड्स के, इवन कभी भी शूट पे बुला लिया जाता था 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए शूट पे, मैं ऑफिस में रहती थी। 1.5 साल के बाद मुझे 5000 पेमेंट मिलती थी पूरे महीने की, और लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या मतलब मैं लाख्स में अर्न कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते थे मुझसे, तो शर्म आती थी बताने में, बट मुझे पैसों का ऐसा कुछ नहीं था। विद
मतलब मनी इज़ नॉट एवरीथिंग राइट, बट मनी इज़ समथिंग कि आपको अपना मतलब डेली जो भी आपका खर्चा होता है, कुछ भी होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो निकालने पड़ते हैं। और अब मेरी एज हो गई थी तो घर वालों से लेते हुए भी शर्म आती है कि यार इतने बड़े हो गए हैं, काम भी कर रहे हैं, इवन नंबर वन यूट्यूब चैनल के साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद घर से पैसे ले रहे हैं, तो बहुत ही मतलब अजीब सा फील होता था। बट मनी का इतना कुछ था नहीं मेरे लिए, बट अब एक टाइम पे ऐसा लगता है कि यार अब मुझे खुद का कुछ सेटअप कर लेना चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा मतलब अपने पैरों पे स्टैंड हो जाऊँ। ये मेन 3 रीज़न थे जो टीम छोड़ने के थे मेरे, बाकी बहुत चीज़ें पर्सनल हैं जो मैं नहीं बोलना चाहती। अगली अपडेट एलविश यादव की तरफ से है, इनकी न्यू वीडियो कभी भी हमें देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कब डालूं न्यू वीडियो, तो यार इनकी वीडियो रेडी हो चुकी है, कभी भी वो डाल सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट निकल के आ रही है वो राउंड 12 की तरफ से, इनकी भी वीडियो हमें 1-2 दिन के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि यार इन्होंने बोला था जनवरी के 1st वीक में वीडियो आने वाली है। नाजिम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाली थी तो उसमें उन्होंने किसी ने कमेंट में पूछा था कि न्यू वीडियो सर कब आ रही है, तो उन्होंने बताया था कि जनवरी की 1st वीक में, तो यार 1-2 दिन बाद हमें ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि आज 4 तारीख है। जो हमारी आज की लास्ट अपडेट निकल के आ रही है वो हर्ष बेनीवाल की तरफ से, हर्ष बेनीवाल अपने फ्रेंड्स के साथ में गोवा ट्रिप पर गए हैं, जो कि अब वो 2 साल बाद गए हैं गोवा, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ वीडियोस डाली तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप देख लो। फाइनली 2 साल बाद मैं वापस गोवा आया, 3 साल बाद अपने पुराने दोस्तों के साथ और कुछ नए दोस्तों के साथ। ये मेरी टीम और ये मेरे दोस्त और ये तुम्हारा भाई। ओए आया नहीं, तो भाई अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी यार तो लाइक करना, शेयर करना और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना सब्सक्राइब करके, क्योंकि यार मैं यूट्यूबर्स और पंजाबी सिंगर से रिलेटेड अपने चैनल पे डेली अपडेट्स देता हूँ। तो भाई मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।